सीएम के औचक निरीक्षण से पूरे जिला चिकित्सालय महकमे में हड़कंप मची हुई है। सुधार पर सुधार किए जा रहे हैं पर सुधार होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है और विशेषज्ञों की बात करें तो जिला चिकित्सालय मंडला में ना के बराबर विशेषज्ञ मौजूद हैं। अब इस समय जिला अस्पताल में काफ़ी गंभीर स्थिति है। डॉक्टरों के तो बहुत कम है, 6-7 लोग ही हैं रिसेंटली डॉक्टर्स जो विशेषज्ञ हैं, और बाकी हमारे आधा दर्जन से ज़्यादा पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। और जो मेन ब्रांच हैं जैसे सर्जरी वगैरह जो है उसमें हमारे एक PGMO है, लेकिन LTD सर्जन के रूप में कार्य कर रहे हैं इस समय। तो सर्जरी विभाग और ENT है, आई है, ये सारे पोस्ट वैकेंट हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इन जो प्राइमरी जो विभाग है इनमें लोगों को सेवाएं मिले। जिला चिकित्सालय मंडला में आज सांसद प्रतिनिधि मंडल द्वारा भ्रमण किया गया तो मौके पर कई तरह की अव्यवस्थाएं देखी गईं, जिसमें मुख्य रूप से चिकित्सा स्टाफ की कमी पाई गई। इस संबंध में जब सिविल सर्जन डॉक्टर विजय धुर्वे से बात की गई तो उनका कहना था कि यहाँ पर चिकित्सा स्टाफ की काफ़ी कमी है। डॉक्टर की संख्या 39 स्वीकृत है, जिस पर सिर्फ 7 डॉक्टर ही कार्य कर रहे हैं। वहीं मेडिकल ऑफिसर 23 होना चाहिए, जिस पर 12 कार्य कर रहे हैं, 11 पद खाली पड़े हैं। ठीक इसी प्रकार सफाई कर्मियों से लेकर अन्य कर्मचारियों की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा संख्या अभाव देखने मिलता है, जिसके कारण जिला चिकित्सालय स्वयं ही वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ नजर आता है। भ्रमण के दौरान सांसद प्रतिनिधि ने जब नर्सों से बात की तो उनकी एक अलग ही समस्या है। नाइट ड्यूटी के दौरान हमें शराबियों एवं अन्य प्रकार के असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान किया जाता है। इन सब विषयों पर जब सांसद प्रतिनिधि जयदत्त झा से बात की गई तो उनका कहना था कि कप्तान साहब से बात करके समस्या का समाधान निकाला जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में सांसद प्रतिनिधि जयदत्त झा के साथ रोचिराम गुरवानी, वीरेंद्र नामदेव, सुधीर दुबे भी शामिल थे। देखिए, विज़िट तो हम लोगों की जिला चिकित्सालय में होती रहती है। यहाँ की जो समस्याएं हैं उसके बारे में हम लोग ऊपर बात भी करते रहते हैं, कभी MD मेडिसिन डॉक्टर को लेके, कभी यहाँ पे 4th क्लास जो कर्मचारी हैं इन सब की लेके, यहाँ के इक्विपमेंट्स को लेके। लेकिन अभी विगत दिन में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक संवेदनशीलता दर्शाते हुए जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, तो इसके बाद एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी है लोगों के मन में, क्योंकि हम काफ़ी स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझ रहे थे। जो प्रयास था यहाँ पे, जो डॉक्टर्स हैं, मैन पावर कम है, उसके बाद जो सुविधा दी जा रही थी, जितने कम लोग दी जा सकती थी उतनी दी जा रही थी, लेकिन यहाँ पे मशीनें उपलब्ध हैं सरकार के द्वारा, जिनके टेक्नीशियन ना होने कारण मशीनें चल नहीं रही हैं। ICU जो होना चाहिए, जैसा अपडेट होना चाहिए, यहाँ का ट्रामा सेंटर, यहाँ का कैजुअल्टी जो होना चाहिए। तो अभी जब मुख्यमंत्री जी ने यहाँ का दौरा किया, उसके बाद हम लोगों का ये प्रयास है, यहाँ हम एक एक नर्सेस से मिल रहे हैं, डॉक्टर से मिल रहे हैं, सिविल सर्जन से मिल रहे हैं, कि जब CM साहब खुद संज्ञान ले रहे हैं इस चिकित्सालय में, तो यहाँ की जितनी भी समस्याएँ हैं, चाहे वो मैन पावर को लेके हो, चाहे मशीनों को लेके हो, चाहे बिल्डिंग को लेके हो, हमारी ड्यूटी है कि इन सब चीज़ों से वस्तुतः एक एक चीज़ से हम अवगत कराएं प्रशासन को, सरकार को, जिसमें मुख्यमंत्री जी उसको पूरी करें, क्योंकि उनने आके यहाँ पे बोला है कि इस अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद सुविधाओं की कमी उनने पाया है।